हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही सिंपल बट बहुत ज़्यादा लाजवाब रेसिपी। जी हाँ, कढ़ी पकौड़ी की रेसिपी मैं आज आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ। कढ़ी पकौड़ी खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। ये एकदम मुंह में जाके घुल जाने वाली सब्जी होती है और ये बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए, देर किस बात की, शुरू करते हैं इसको बनाना। कढ़ी बनाने के लिए मैंने लहसुन, हरा धनिया, प्याज, मीठे नीम के पत्ते, अदरक का टुकड़ा और हरी मिर्च ली है। इसको हम काट देंगे। तो मसालों को मैंने काट दिया है। अभी घोल बनाने के लिए मैंने छाछ ले ली है और बेसन लिया है। इसमें हम लोग 2 चम्मच जितना सा बेसन डालेंगे, आप अपने हिसाब से डाल दें। मुझे ज़्यादा गाढ़ी नहीं बनानी है इसलिए मैं इसमें कम बेसन ऐड कर रही हूँ। और इसको मथनी की सहायता से अच्छे से छाछ और बेसन को मथ लेंगे। इसमें कहीं पे भी गुठलियाँ नहीं हुए, इतने अच्छे से हमें चलाते रहना है। तो ये देख सकते हैं आप, कहीं पे भी एक भी गुठली नहीं है। अभी ये रेडी हो गई है। और पकौड़ी बनाने के लिए मैं आपको बता देती हूँ, पालक और प्याज, मीठे नीम के पत्ते, हरा धनिया और हरी मिर्च, वही मसाला जो कढ़ी का काटा था उसमें से मैंने थोड़ा थोड़ा निकाल दिया है पकौड़ी में डालने के लिए। तो इसकी हम लोग पकौड़ी बनाने वाले हैं। थोड़ा बेसन मैंने अंदर डाल दिया था और ये जो बाकी का बचा हुआ बेसन है ये भी मैं इसी के अंदर ऐड कर लेती हूँ। मसाले में हम लोग डालेंगे लाल मिर्च, अजवाइन, धनिया पाउडर, जीरा और नमक। इनको एक साथ हम लोग डाल देंगे बेसन में और पानी डाल के इसका घोल बना देंगे। ध्यान रहे फ्रेंड्स, हमें ये कढ़ी में डालने वाली पकौड़ी है तो इसको ज्यादा पतला नहीं करेंगे, थोड़ा गाढ़ा रखेंगे। इसके बैटर को देख सकते हैं आप, इस तरीके से रखा है मैंने। तो कढ़ाई में तेल गरम हो गया है और हम लोग गोल गोल पकौड़ियाँ निकाल देंगे। जैसे नाश्ते में बनाते हैं तो छोटी छोटी बनाते हैं, कढ़ी के लिए हमें गोल बनानी है। और इसका पतला पेस्ट रखेंगे तो सारी पकौड़ियाँ घुल जाएगी कढ़ी में। काम का सबसे मेन पार्ट होता है फ्रेंड्स ये सीन, बहुत ही अच्छा लगता है सुबह सुबह बाहर खुले में खाना बनाना और चारों तरफ हरियाली वगैरह। चारों तरफ तो हरियाली नहीं है, अभी सिर्फ यहीं पे हरियाली है। जैसे अभी फिलहाल तो राजस्थान में गर्मी चल रही है तो फिर नहीं है। तो अभी पकौड़ी वगैरह निकाल देते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, मैं ये बताना चाहती थी कि आजकल मेरे वीडियो आप अच्छा पसंद कर रहे हो, उसके लिए आपको तहे दिल से थैंक यू। और लाइक भी कर दिया करो यार, आप व्यू तो बहुत अच्छे आते हैं पर लाइक नहीं करते हो, एक लाइक कर दिया करो, ये फ्री है बिल्कुल। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो प्लीज। और आप किस तरीके की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं उस तरीके की उस टाइप की वीडियो बनाऊंगी। तो पकौड़ियाँ मैंने सारी निकाल दी है और इसी में से थोड़ा सा तेल कम कर दूंगी और कढ़ी का तड़का मैं इसी में लगाऊंगी लास्ट में। फ्रेंड्स, ये लखनऊ में मेरे एक व्यूवर हैं, उनके उन्होंने मेरे को फरमाइश की थी कि उनको कढ़ी बना के दिखाना है। तो मैं उनके लिए ये खास तौर पे नितिन कुमार के लिए ये कढ़ी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो उसमें से मैंने तेल कम कर दिया था। तड़का लगाने के लिए मैंने राई जीरा डाल दिया और मीठे नीम के पत्ते डाल दिए हैं।
ध्यान रहे इसमें राई को हमें अच्छे से जला देना है। जब ये जल जाती है तो उसका टेस्ट अच्छा आता है। जीरा ऐड कर दिया और ये लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल दिया है। हरी मिर्ची ऐड कर देंगे और प्याज भी हम लोग डाल देंगे। इसमें करी पत्तों को भी हमें जला देना है। जब ये जल जाते हैं तो इनका टेस्ट थोड़ा अलग से आता है, तो वो अच्छा लगता है। इसमें थोड़ी हींग डालना मैं भूल गई थी, तो अभी मैंने हींग डाला है। और इसमें थोड़ा सा हल्दी डाल देते हैं, इससे कलर अच्छा आता है। इस मसाले को हम पका देंगे अच्छे से। ये मसाला पकने के बाद में हम लोग लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी, धनिया पाउडर और नमक, इनको हम डाल देंगे इसी के अंदर। और बस थोड़ा सा चला के हमें इसके अंदर गोल डाल देना है छाछ का। उसको हल्का सा इसी में मसाले में भून लेंगे ताकि इनका कच्चापन थोड़ा चला जाएगा। ज्यादा जलाना नहीं है मसाला डालने के बाद में। ये जो छाछ और बेसन का गोल बनाया था, इसको थोड़ा सा हिला के इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसको 10 मिनट तक हमें कंटिन्यू चलाते रहना है, नहीं तो छाछ गर्म हो जाने के बाद में वो फट जाती है। तो इसके लिए आप फुल आंच का गैस रखें या फिर कम करें, तो इसको कंटिन्यू चलाते रहे। इस कढ़ी को हमें कम से कम 15 से 20 मिनट तक पकाना है, क्योंकि वो अच्छे से पक जाएगी। उसके बाद में उसका जितना अच्छा पकेगी उसका टेस्ट अच्छा आएगा। अब ये आपको देख सकते हैं, ये पतला है, तो ये गाढ़ी हो जाएगी तब तक हम इसे पकाएंगे। कढ़ी में उबाल आने लग गया है। 5 मिनट पकाने के बाद में ये कलर आया है इसका। अभी हम इसको और ज्यादा पकाने वाले हैं। लगभग 15 मिनट तक कंटिन्यू कढ़ी को पकाने के बाद में इस तरीके से देखिए आप, कलर आ गया इसका बहुत ही अच्छा और ये गाढ़ी भी हो गई है। तो बस कढ़ी हमारी अभी बन के रेडी है, तो हम इसको साइड में निकाल देंगे। भी मैं इसको एक बर्तन में निकाल देती हूँ। तो बस कढ़ी हमारी बन गई है, इसके अंदर हम सारी पकौड़ियाँ डाल देंगे। ये हो गई हमारी कढ़ी पकौड़ी। हरा धनिया डाल के गार्निश कर देंगे इसको थोड़ा। तो बस ये छोटी सी थी आज कढ़ी पकौड़ी की रेसिपी। रोटी मैंने बना ली है, इनको घी लगा देते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी है प्लीज आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और थोड़ी सी भी अगर मेरे को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसको लाइक कर दिया करो यार, मेहनत लगती है बनाने में। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।